तारीफ कर दी कर दी हमारी बॉन्डिंग बहुत ऑर्गेनिक है. ही इज वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव. तो फैला देते हैं भैया रूमर श्रुति सलमान की अगली फिल्म में होने वाली है. कि अगर किसी झूठ से किसी का भला हो जा रहा है तो वो झूठ बोलने में क्या तकलीफ है. मेरी 3-4 लड़कियों की एक ग्रुप है फ्रेंड्स की, मैं उनके साथ बाहर चली जाती हूँ मम्मा को बिना बताए. और मम्मा को ये नहीं पता कि 2-3 दिन पहले इधर राजस्थान आने से पहले भी मैं उन लोगों के साथ बाहर गई थी. श्रुति चौधरी मेरा बालम थानेदार की लीड है ये. सो आइए चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में, शो के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में. सबसे पहले तो थैंक यू, इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया आपने मुझे. और पूछिए श्रुति, सबसे पहले तो पहला मेन लीड आपका रोल है ये, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो यकीन नहीं हो रहा, आज भी मैं यहाँ देख रही हूँ अपना पोस्टर, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि ये मैं ही हूँ. बिकॉज शशि सुमित प्रोडक्शंस, बहुत बड़ा शो करना कोई आम बात नहीं है. बहुत लड़कियां आई थी बुलबुल के कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए, कैरेक्टर को समझने के लिए, क्योंकि हर सारी लड़कियों के अंदर ये था कि हमें ये कैरेक्टर करना है. ऐसा कैरेक्टर कौन नहीं करना चाहेगा. तो सबसे पहले तो ये था, ऊपर से कलर्स चैनल टॉप चैनल्स में से एक है वो. और कलर्स का शो करने के लिए कभी भी मैं मुझे करना वो एक ड्रीम जैसा है और बहुत लोगों का सपना ही रह जाता है, लेकिन आज मुझे वो सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है. तो आई थिंक वेरी ब्लेस्ड और बहुत खुश हूँ मैं, और बहुत नर्वस भी हूँ कि लोगों को कैसा लगेगा. और मैंने पूरी अपनी मेहनत की है और मैं करती रहूँगी. मेहनत की बात करूँ तो क्या क्या मतलब क्या हार्डशिप्स थे इस पूरे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, या क्या लगा कि यू नो मैं ऐसा कर पाऊँगी? बिकॉज ऑफकोर्स एट अ यंग एज आपको एक ऐसा रोल दिया जाता है एक जो कि मुद्दे पर बात कर रहा है, एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा है. सबसे पहले तो आई थिंक एक एक्टर के लिए कोई भी कैरेक्टर करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसे समझना बहुत ज़रूरी है एग्जैक्टली कि वो है क्या एग्जैक्टली, उसके आगे क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. और जब मुझे बुलबुल का कैरेक्टर पता चला कि नाबालिग है, जिससे वो खुद भी रूबरू नहीं है, उसको नहीं पता है कि वो नाबालिग है, उसको ये लगता है कि वो ना बस उसका एक ही कहना है कि अगर किसी झूठ से किसी का भला हो जा रहा है तो वो झूठ बोलने में क्या तकलीफ है. और वो सबको अपना मानती है, उसके लिए सब अपने हैं. अगर आज मैं बात कर रही हूँ आपसे, आप भी मेरी अपनी हो गई. अरे काकोसा, अरे भाभी सा, सब उसके अपने हैं, उसका ये है. और बहुत चुलबुली लड़की है और राजस्थान का है, क्योंकि ये कहानी राजस्थानी है. तो सबसे पहले मेरे लिए ये चैलेंजिंग था यहाँ की, हमने पूरा राजस्थानी नहीं डाला प्रॉपर, हमने थोड़ा राजस्थान का टच मतलब उसके लैंग्वेज को दिया है, क्योंकि हमें ऐसा सीरियल बनाना था जो सबको समझ आए, सब रिलेट कर पाए, नॉट ओनली राजस्थानी या बिहारी या कोई ऐसे, सबको समझ आए, सब रिलेट कर पाए इस टॉपिक से. उस हिसाब से हमने शो को बनाया. फ्रेंड्स का, स्कूल वालों का, यू नो एवरी जो पीयर ग्रुप होता है, बिकॉज एट दिस एज यू हैव पीयर प्रेशर बहुत होता है यहाँ पे. सब लोग अपना यू नो करियर में कुछ ना कुछ करना भी चाहते होंगे, वेयर एज यू हैव मेड इट टू दिस. स्पेशली अगर मैं एक सच बात बताऊँ तो मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत कहने को तो बहुत फ्रेंड्स हैं, पर एक जिनसे मैं दिल की बात कर सकूँ वो 2-3 हैं. सबसे पहले मेरी बड़ी बहन है मेरी बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आई हैव अ एल्डर सिस्टर. तो मैं ज़्यादा उतना घुलती नहीं हूँ, मतलब उतनी डीप फ्रेंडशिप्स नहीं करती, क्योंकि जो मेरे दिल की बात होती है वो मेरी बहन समझ जाती है. तो मेरा पहला रिएक्शन मैं मेरी बहन से लेती हूँ, एल्डर सिस्टर से, कि मैंने क्या किया है. तो वो तो काफ़ी खुश थी इससे, वो तो कह रही थी अरे कर लिया तूने. और फ्रेंड्स की बात की जाए तो वो भी काफ़ी खुश है मेरे इस अचीवमेंट से, और वो कह रहे हैं कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं. बुलबुल का कैरेक्टर कितना है, मतलब ऐसा है कि ऑफसेट भी श्रुति बुलबुल जैसी है कहीं ना कहीं? बहुत ज़्यादा. अभी तो मैं पता है इतना वो नहीं, मैं इंटरव्यूज में बहुत शांत रहती हूँ, पर सेट पे मैं इधर उधर, और मुझे कोई कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि सब मैं कभी छुप जाऊंगी यहाँ, कभी ये, मैं कभी मिल नहीं रही लोगों को, कभी ये हो रहा है मतलब. और फिर बुलबुल और श्रुति बहुत हद तक सेम है. मैं कोशिश नहीं, एक्चुअली मेरे अंदर भी वो थोड़ी चीज़ है कि अगर किसी झूठ से किसी का भला हो रहा है तो मैं भी बोल देती हूँ कभी कभार झूठ. मैंने भी बहुत झूठ बोला किसी के भले के लिए, वो है. फिर अलर्टपन तो है ही, और उसके बाद बहुत कुछ है जो बुलबुल से मैं रिलेट कर पाती हूँ. एक झूठ अगर कन्फेस करना है तो क्या ऐसा झूठ है जो मतलब जो अगर बताना चाहोगे कि ना आज कैमरा बता ही दो कि ये झूठ बोला था मैंने मम्मी पापा या फिर किसी को? मम्मी पापा से झूठ, लास्ट झूठ जो मैं बताना चाहूँगी, मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मेरी 3-4 लड़कियों की एक ग्रुप है फ्रेंड्स की, मैं उनके साथ बाहर चली जाती हूँ मम्मा को बिना बताए. और मम्मा को ये नहीं पता कि 2-3 दिन पहले इधर राजस्थान आने से पहले भी मैं उन लोगों के साथ बाहर गई थी. और मैंने मम्मा को
मम्मी सुन लो ये बाहर गई थी बट बता दिया है तो प्लीज डांटना मत अब की बार। नहीं डांटेंगी नहीं वो मुझे नहीं डांटेंगी। उनको मेरे पे ट्रस्ट है कि पर मैं कितना भी कुछ जाती हूँ बाहर भी तो मैं बहुत लिमिट्स में रहती हूँ सिर्फ खाली बाहर चली गई थी वो बताना मैं उनको। अच्छा फर्स्ट डे ऑन द सेट जब पहला एक्शन सुना था जब मैंने पहला एक्शन सुना तो मैं बहुत एक तो मैं दो मिनट के लिए पहले तो ब्लैंक हो गई थी मैं करते जा रही थी फ्लो में वो जैसा डायलॉग था पर उसके जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना ब्लैंक हो जाते हो आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करो अच्छा रिएक्ट करो बुरा आप मैं तो पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ ये सब। तो पहला एक्शन सुना किया अच्छे से और सबसे पहले मुझे ये था कि सर और बाकी जितने लोग हैं उन्हें अच्छा लगे क्योंकि वो एक्टिंग करना तो होता ही है लेकिन सबको अच्छा लगना भी बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। तो काफी ड्रीमी टाइप का था वो। हीरो की बात कर लेते हैं हीरो शगुन के साथ ऑन स्क्रीन ऑफकोर्स केमिस्ट्री दिखानी है एक वो यू नो रोमांटिक एंगल भी है बट कहीं ना कहीं वो एज डिफरेंस है। हाँ हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ऑर्गेनिक है हमने कुछ भी ऐसे शो के लिए हमें कभी ऐसे फोर्स नहीं किया कि तुम्हारा शो है तो तुम्हें बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी या ये करनी हमारी बॉन्डिंग बहुत ऑर्गेनिक है एंड या ही इज़ वेरी नाइस वेरी सपोर्टिव। चलो ग्रेट नाउ विल हैव अ क्विक वन रैपिड फायर विद हर। ठीक है रैपिड फायर करते हैं। चलो थ्री वुमेन इन योर लाइफ दैट आर रोल मॉडल। सबसे पहले मेरी माँ मेरी एल्डर सिस सुष्मिता सेन जी। अच्छा अगर एक एक्ट्रेस के साथ अगर आपको अपना डे स्वॉप करना पड़े तो किसके साथ करोगे और क्या करोगे पूरा दिन? आलिया भट्ट के साथ मैं स्वॉप करना चाहूँगी मैं उनके बैग्स को देखना चाहूँगी उनके पास स्किन केयर है ग्लो रेसिपी जो मेरे पास भी है मैंने उनको देख के खरीदा हो एंड आई रियली लाइक आलिया भट्ट मैम। हाँ राहा के साथ खेलना चाहूँगी मैं और देखना चाहूंगी वो कैसे रहती है वो उनको एक केक पसंद है मिल्क केक वो खाना चाहूंगी मैं और ट्रैवल करना चाहूंगी हर जगह से। स्किन केयर रेजिम कोई फॉलो करते हो आप? मैं सच बताऊँ तो मैं स्किन पे कुछ नहीं लगाती ज़्यादा पर मेरे पास है सब कुछ बिकॉज वो मेरे अंदर है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए क्योंकि मैं स्किन केयर को लेके बहुत ये हूँ कि मुझे हर टाइप का स्किन केयर चाहिए और मैं जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब मैं बहुत अर्न करूँगी ना तो मैं हर ब्रांड्स के स्किन केयर रखूँगी अपने पास तो अभी मेरे पास ग्लो रेसिपी वो सब भी है तो स्किन केयर मैं करती कम हूँ पर खरीदती ज़्यादा हूँ मुझे वो देख ऐसे रखने का बड़ा शौक है। फेवरेट को स्टार या फिर कोई एक्टर जिसके साथ काम करना चाहोगे टीवी फिल्म कोई भी हो सकता है? सलमान सर एसआरके सर। सलमान सर से मिले भी अभी? हाँ हाँ और मैंने तो एक इंटरव्यू में बोला भी कि मैं चाहती हूँ कि ये र्यूमर फैल जाए कि मैं उनकी हीरोइन बन गई हूँ और वो फिर सच हो जाए तो ऑब्वियसली सलमान सर हो गए एसआरके सर हो गए तो फैला देते हैं भैया रूमर कि श्रुति सलमान की अगली फिल्म में होने वाली है। हाँ फैला दीजिए और ये रियलिटी हो जाए गणपति बप्पा। अच्छा एक सॉन्ग जो अभी यू नो करंटली स्टक है? मेरा पालम थानेदार जो हमारा थीम सॉन्ग है। अच्छा वो वाला नहीं जिप्सी वाला नहीं? जिप्सी है लेकिन हमारा जो सॉन्ग है जो मामे खान सर ने गाया है जो राजस्थान के एक बहुत ही दिग्गज सिंगर हैं जिन्होंने चौधरी सॉन्ग गाया था उन्होंने हमारे लिए गाया है तो आई थिंक इससे ग्रेटफुल नहीं और वो मेरे ऑन लूप बजता है मैं चांद वो मैं बहुत गाने भी लग जाऊं। चलो एक लाइन गा दो। मैं चांदन सी चांदनी बालम तपता रेगिस्तान और बहुत मुझे अच्छा लगता है वो सॉन्ग तो वो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। अच्छा फेवरेट फूड? फेवरेट फूड मुझे तो खाने में सब पसंद है मैं खा सकती हूँ सब कुछ बटर चिकन। थैंक यू सो मच दिस वॉज अ लवली कॉन्वर्सेशन विद श्रुति चौधरी प्लीज डू वॉच मेरा बालम थानेदान ऑन कलर्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके herzindagi.com एंड या प्लीज डू वॉच मेरा बालम थानेदार 9:30 बजे कलर्स चैनल पे और जियो सिनेमा पे मंडे टू फ्राइडे।